तो हेलो गाइस, मैं हूं सैलिब। फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गैजेट्स डिस्कवरी पे, और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में हमारे पास है फायरबोल्ट की तरफ से न्यूली लॉन्च की गई फायरबोल्ट टोक 2 स्मार्ट वॉच, और मेन फीचर है इसका कॉलिंग का। इसका एक कम्प्लीट रिव्यू जो है मैंने चैनल पर डाल दिया है वॉच को यूज़ करने के बाद, जैसे इसका बैटरी बैकअप कितना है, कॉलिंग क्वालिटी कैसी है, आउटडोर विजिबिलिटी कैसी है, सभी फीचर्स वगैरह जो है उस वीडियो में कवर किया है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस स्मार्ट वॉच की जो भी सभी फंक्शन है वो डिटेल में बताने वाला हूँ, जैसे आप इसे कैसे फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे, या फिर जो इसकी डिस्प्ले है इस पर आपकी फ़ोटो कैसे सेट कर सकते हैं, सब कुछ ये जो फंक्शनैलिटी है हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये एक तरीके से सेटअप गाइड होने वाला है फायरबोल्ट टोक 2 स्मार्ट वॉच का। तो चलिए, सबसे फर्स्ट में हमें क्या करना है, हमें प्ले स्टोर पर जाना है, या फिर अगर आपके पास iOS है तो एप्पल स्टोर पर जाइए, और वहाँ पर आपको डा फिट करके एक ऐप आता है वो सर्च करना है। ये ऐप देख सकते हैं, इसका लोगो है यहाँ पे, और इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हो चुकी है। तो सबसे फर्स्ट में जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल अपडेट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट वगैरह। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड स्मार्ट वॉच टू गेट मोर हेल्थ इन्फॉर्मेशन, या फिर यहाँ से भी आप ऐड ए डिवाइस कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है लोकेशन के लिए और ब्लूटूथ वगैरह जो भी। यहाँ पे जो लोकेशन और ब्लूटूथ है आपका फर्स्ट टाइम आपको इनेबल करना होगा, और उसके बाद अब यहाँ पे सर्चिंग स्टार्ट हो चुकी है ऑटोमेटिकली वॉच की। अभी गाइस क्या हो रहा है, जैसे स्मार्ट वॉच जो है यहाँ पे लिस्टिंग नहीं हो रही है। अभी क्या हुआ, वॉच जो है अब बैटरी डाउन थी, तो शायद उस वजह से यहाँ पे सर्च में नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसे चार्ज किया तो तुरंत से सर्च में आने लग गई। तो एक बार आप भी जो है वॉच को फुल चार्ज कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे टैप करना है, और वॉच जो है हमारी यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ गया है 41%। तो सबसे फर्स्ट में हम चलते हैं इस लेफ्ट वाले कॉर्नर में, और यहाँ पे गाइज हमें जो भी डाटा है हमारी स्मार्ट वॉच से, जैसे स्टेप काउंट हो गए, स्लीप मॉनिटरिंग हो गया, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, या SpO2, ब्लड ऑक्सीजन, ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वॉच फेसेस में अगर हम चले तो यहाँ पे जो वॉच फेसेस है हमें देखने को मिल जाते हैं। मोर वॉच फेसेस में जाएंगे तो ये इंटरनेट के थ्रू हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और एक बार जो वॉच फेसेस डाउनलोड हो जाएंगे तो जैसे यहाँ पे अगर मैंने इसे सेलेक्ट किया तो ये ईजिली वन टैप में वॉच फेस पे सेट हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पे आपको इस वॉच फेस में ही सिर्फ एडिटिंग का ऑप्शन मिलता है, बाकी सब एज इट इज़ ही रहने वाले हैं जैसे शो किए गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप एडिट पे जाओगे तो यहाँ से गैलरी से आप कोई भी फोटो वगैरह जो है आपकी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। और इसके अलावा जो टेक्स्ट का कलर है वो भी आप यहाँ से चेंज कर पाओगे, साथ ही जो पोजीशन है टेक्स्ट की वो यहाँ से आप अप एंड डाउन कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। और ये जो टाइम शो हो रहा है इसके ऊपर आप जैसे डेट या फिर स्लीप डाटा, हार्ट रेट मॉनिटर, स्टेप काउंटिंग वगैरह यहाँ पे शो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्टेप काउंटिंग कर दी तो वो यहाँ पे आने लग जाएगा, और इस टेक्स्ट के नीचे टाइम के आप चाहते हो कि जैसे डेट वगैरह शो हो तो वो सब यहाँ पे आने लग जाएगा, और सिंपली आपको अब सेव कर देना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, अब आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो गई है, और कुछ ही सेकंड्स में ये जो बैकग्राउंड है सेट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने सेट किया था ये फेस यहाँ पे स्मार्ट वॉच का, वो सब यहाँ पे आ चुका है। तो ऐसे करके आप कस्टमाइज कर सकते हैं स्मार्ट वॉच के फेसेस को। नेक्स्ट यहाँ पे नोटिफिकेशंस में अगर हम चलें तो आपका स्मार्टफोन स्मार्ट वॉच के साथ कनेक्ट रहेगा उस टाइम, जैसे फ़ोन वगैरह आपका जो है यहाँ पे शो होना चाहिए तो आपको अलाउ कर देना है यहाँ से, और मैसेजेस वगैरह या फेसबुक, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन, कॉल्स वगैरह सब यहाँ पे जो है शो हो जाएंगे। सिंपली यहाँ से बस आपको इनेबल कर देना है और नोटिफिकेशन एक्सेस जो है सेटिंग्स में से दे देना है। तो यहाँ से आप जिस भी ऐप के नोटिफिकेशन यहाँ पे देखना चाहते हो या फिर बंद करना चाहते हो तो यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। नेक्स्ट अलार्म में चलें तो यहाँ से अलार्म जो है आप सेट कर पाओगे स्मार्ट वॉच का। शटर में अगर हम चलें तो यहाँ पे जो है कैमरा ओपन हो गया है फ़ोन का, और यहाँ से अब जो है मैं रिमोटली फ़ोटो क्लिक कर सकता हूँ, सिंपली मेरे को टैप करना है। अब जैसे मैंने स्मार्टफोन कहीं दूर रखा है और यहाँ पर मैं फ़ोटो अगर क्लिक करना चाहूँ तो ईजिली वन टैप में कर सकता हूँ। और नेक्स्ट अदर्स में अगर हम चलें तो यहाँ से गाइस जैसे फाइंड डिवाइस पर अगर मैं टैप करता हूँ तो वॉच अगर आपकी कहीं रखी हुई है जैसे आपको मिल नहीं रही तो फाइंड डिवाइस करके आप अपनी वॉच को इजीली ढूंढ पाओगे। नेक्स्ट टाइम फॉर्मेट यहां से आप चेंज कर सकते हो 12 आवर 24 आवर्स का। इसके अलावा यहां पे कंटिन्यूस हार्ट रेट डिटेक्शन मिलता है, यानी कि अगर आप चाहते हो कि हर 5 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में हार्ट रेट ऑटोमेटिकली मॉनिटर होती रहे तो यहाँ से आप कर सकते हो सेलेक्ट ऑप्शन। कंट्रोल म्यूजिक, जैसे आपने फ़ोन पे म्यूजिक प्ले किया हुआ है उसमें गाने आप चेंज करना चाहते हो, प्ले पॉज करना चाहते हो तो वो सब यहाँ से आप इनेबल कर लीजिएगा, उसके बाद आप स्मार्ट वॉच से वो हैंडल कर पाओगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि
कि स्मार्ट वॉच में कहाँ से करने हैं, अभी हम एप्लीकेशन का ही पूरा डिटेल्स दे रहे हैं। और साथ ही नीचे इसमें ड्रिंक वाटर रिमाइंडर वगैरह अगर आप सेट करना चाहते हो स्मार्ट वॉच में, वो सब आप यहाँ से कर पाओगे। वेदर की नोटिफिकेशन यहाँ पे इनेबल है। टेम्परेचर आप सेल्सियस फ़ारेनहाइट में सेट कर सकते हो। सिटी यहाँ से आपकी जो भी है, तो जो टेम्परेचर शो होगा सिटी वाइज यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा सर्च करके। और इसके अलावा प्रोफाइल में अगर हम चलें तो यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल जो है और चेंजेस करना चाहो कर सकते हो। यहाँ से जो स्टेप के गोल हैं पर डे कितने स्टेप्स आपको लेने हैं वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके अलावा गूगल फिट के साथ गाइज आप जो है सिंक्रोनाइज कर सकते हो, जो भी डाटा होगा आपका स्टेप्स वगैरह का वो सब गूगल फिट के साथ सिंक्रोनाइज होता रहेगा, इन फ्यूचर वो आपके काम आ सकता है। तो गाइज ये सब तो हो गया जो भी डिटेल्स हमें एप्लीकेशन में देखने को मिलती हैं सेटिंग्स वगैरह। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे वॉच की तरफ। गाइज यहाँ पे वॉच में आपको दो अलग अलग बटन्स देखने को मिलते हैं। इस वाले बटन का यूज़ करके आप जो डिस्प्ले है ऑन ऑफ कर सकते हो, और इसका यूज़ जो है आप पावर ऑन ऑफ के लिए भी कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे आपको जो है पावर ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और इसी से आप पावर ऑन कर सकते हो लॉन्ग प्रेस करके। ये जो सेकेंडरी बटन है इसको जैसे ही आप प्रेस करते हो तो सीधा जो स्पोर्ट्स मोड है वो निकल के आ जाते हैं, वो सब आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे ही आप लेफ्ट की तरफ स्वाइप करते हो तो ये सभी ऑप्शंस जो है आप लोगों के सामने निकल के आ जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट में है फ़ोन का ऑप्शन, और यहाँ से आप जो है नंबर वगैरह डायरेक्टली डायल कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे रिसेंट जो कॉल्स वगैरह होंगी सब आपकी शो होने वाली है। अभी मैंने कुछ कॉल्स वगैरह नहीं की हुई स्मार्टफोन से तो ये सब शो नहीं कर रहा है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट एक बार आप जब सिंक्रोनाइज कर लोगे तो सब यहाँ पे शो होने लग जाएंगे, और डायरेक्टली आप यहाँ से कॉल लगा पाओगे किसी को भी। नेक्स्ट स्लीप मोनिटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। 24/7 स्लीप मोनिटरिंग भी ये स्मार्ट वॉच कर लेती है। इसके अलावा हार्ट रेट मोनिटर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और स्टेप काउंट वगैरह ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कैलोरीज वगैरह कितने किलोमीटर्स आप चले हो। ट्रेनिंग में अगर हम चलें तो यहाँ पे वही स्पोर्ट्स मोड हमारे आ जाते हैं जैसे साइकिलिंग स्कीपिंग वगैरह। और नेक्स्ट SPO2 यहाँ से आप मोनिटर कर सकते हो। जैसे ही आप अपनी रिस्ट पे बांध के रखोगे तो यहाँ पे आपको जो मेजरमेंट्स है वो देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट AI वॉइस गाइस यहाँ से जैसे ही आप टैप करते हो तो अब मैं अगर हे गूगल बोलूँगा, या फिर जैसे आपका iOS है तो अगर आप सिरी को एक्टिवेट करना चाहो तो बस यहाँ से आपको बोलना है और डायरेक्टली आपके स्मार्टफोन में वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा। और नेक्स्ट वेदर यहाँ पे आपका है। शटर यहाँ से जैसे मैंने कहा था फोटोग्राफ स्मार्टफोन में क्लिक करना चाहते हो सिंपली, जैसे यहाँ पे मैंने इस स्विच पे प्रेस किया तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ पे शटर ओपन है, और जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो डायरेक्टली जो कैमरा है स्मार्टफोन का वो अपने आप ओपन हो जाएगा, और दोबारा जब मैं क्लिक करूँगा तो जो फोटो है वो ले ली जाएगी। और नेक्स्ट यहाँ पे प्लेयर हमें देखने को मिलता है। प्लेयर से आप जो है म्यूज़िक प्ले पॉज कर सकते हो, नेक्स्ट प्रीवियस सॉन्ग सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जैसे ही आप यहाँ पे टैप करते हो वॉल्यूम के आइकन पे तो वॉल्यूम जो है वो भी कंट्रोल कर पाओगे। और वैसे जैसे अगर आपको सिंगल बैक आना है कहीं से तो अगर आप राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो आप जो है सिंगल बैक आ जाओगे। अगर आपको डायरेक्टली होम पे जाना है तो ये जो बटन है इसको प्रेस कीजिए, आप डायरेक्टली होम पे चले जाओगे। इसके अलावा ब्रेथ यहाँ पे है, और गेम्स में आपको दो मिनी गेम्स देखने को मिल जाएंगे जिनको आप प्ले करके अपना टाइम पास कर सकते हो। इसके अलावा सेटिंग्स में अगर हम चलें तो यहाँ पे स्टॉप वॉच हमें देखने को मिलती है, अलार्म हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, टाइमर यहाँ पे है, मेन्यू गाइस अगर आप मेन्यू का जो स्टाइल है वो चेंज करना चाहते हो, जैसे अभी मैंने ग्रिड व्यू कर दिया और डायरेक्टली मैं होम पे आता हूँ, अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो ग्रिड व्यू है मेन्यू का वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो काफ़ी अच्छा और कूल लगता है ये जो ग्रिड व्यू है। तो जो व्यू है स्मार्ट वॉच की लिस्ट का वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा ब्राइटनेस यहाँ से आप जो है कंट्रोल कर सकते हो स्मार्ट वॉच की। नेक्स्ट वाइब्रेशन ऑन ऑफ यहाँ पे हमें देखने को, स्मार्ट वॉच में जो है वाइब्रेशन दिया गया है जो कि जैसे यूज़ करने में बहुत आसान हो जाता है, वाइब्रेट करती है वो तो पता लग जाता है हमें क्या कुछ नोटिफिकेशन आए हैं कॉल आई है। और एक थिएटर मोड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। गाइस थिएटर मोड में क्या है, जैसे ही आप थिएटर मोड एक्टिव करते हो तो ब्राइटनेस जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है, और वाइब्रेशन भी स्मार्ट वॉच की वो ऑफ हो जाती है। तो ये जैसे आप कहीं ऐसी जगह पर बैठो जहाँ पर आपको वाइब्रेशन बंद करनी है और ब्राइटनेस जो है बिल्कुल कम रखनी है तो आप थिएटर मोड एक्टिव कर सकते हो। रीसेट यहाँ से आप कर पाओगे स्मार्ट वॉच को। पावर ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो। अबाउट इन्फो यहाँ से आपको मिल जाएगा। ऐप अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा तो यहाँ से QR कोड जनरेट होता है, इसे स्कैन करके आप ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस जैसे ही आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखोगे होम स्क्रीन पे आने के बाद तो यहाँ से जो कुछ फेसेस है आपको देखने को मिल जाएंगे, इनको आप क्विकली चेंज कर सकते हो जो भी आपको बेटर लगे। नेक्स्ट आप जैसे ही ऊपर की तरफ से नीचे स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाता है। कुछ शॉर्टकट ऑपरेशन यहाँ से आप परफॉर्म कर सकते हो, जैसे
टॉर्च यहाँ पे आपको मिलता है, ये परमानेंटली लाइट अप रहेगी जब तक आप इसे मैनुअली बंद नहीं कर दोगे, और ये रात के टाइम काफ़ी बार इंस्टेंटली वर्क आती है। साथ में थिएटर मोड यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, डायरेक्टली यहाँ से इनेबल डिसेबल कर पाएंगे। वाइब्रेशन यहाँ से हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, और सेटिंग्स में अगर हम जाना चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली जा पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जैसे अगर आपका फ़ोन कहीं पे साइड में रखा हुआ है, आपको मिल नहीं रहा, तो जैसे ही अभी आप फाइंड फ़ोन करोगे तो एक अलार्म जो है फ़ोन में प्ले होने लग जाएगा और आपका फ़ोन जो है आपको ईजिली मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप ऊपर की तरफ स्वाइप करते हो तो यहाँ पे आपको मैसेजेस वगैरह होंगे जो भी आपके देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम राइट की तरफ से लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे स्टेप्स वगैरह, जो हार्ट रेट मॉनिटर है, SPO2 है, वो सब देखने को मिलता है, डायल पैड है, म्यूज़िक प्लेयर हो गया, वेदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी, शटर यहाँ पे है, AI वॉइस है, तो इन्हें हम जो है राइट स्वाइप करके डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकते हैं। सो गाइस, ये था कंप्लीट सेटअप गाइड Firebolt Talk 2 स्मार्ट वॉच का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।